तो ये कोटा की स्टोरी है। कोटा में ऐसा क्या हुआ जो लव स्टोरी इतनी बड़ी दुर्घटना में चेंज हो गई, वहीं के आसपास में जिंदा जमीन में दफना दिया। हाय एवरीवन, वेलकम वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो अगेन हॉरर है, बिकॉज आप लोग का मतलब ये हॉरर के लिए पता नहीं प्यार खत्म नहीं होता। तो अगेन और आज की जो स्टोरी है ना, एक्चुअली में डरा देने वाली है, क्योंकि कोई यकीन नहीं करता है कि ऐसा सच में हो सकता है, बट एक्चुअली में ऐसा हुआ है। और आज भी उस जगह पे जाने से ना लोगों को डर लगता है कि उनके साथ कुछ हो ना जाए, क्योंकि जितने लोग भी उस जगह पे गए हैं ना कभी वापस नहीं आए। तो ऐसा क्या हुआ था और क्या स्टोरी, क्या ऐसी लव स्टोरी है जो कि इतना मर्डर मिस्ट्री में चेंज हो गया, तो वो आज हम इसको क्या बोल रहे हो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन क्या करना है आपको, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक कर देना, जाके मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना वीडियो देखने के बाद। एंड चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। तो ये जो स्टोरी है ना, ये कोटा की स्टोरी है, जो कि कोटा हमेशा फेमस पढ़ाई के लिए जाना जाता है, जो हम लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है। खैर, तो ये कोटा की स्टोरी है। कोटा में ऐसा क्या हुआ जो लव स्टोरी इतनी बड़ी दुर्घटना में चेंज हो गई, तो वो हम आपको बताते हैं। ये जो स्टोरी है ना, ये राणा साहब की स्टोरी है, राणा साहेब की स्टोरी है। राणा साहेब बहुत अमीर थे, बहुत अमीर, और उनके पास एक बहुत बड़ा बंगला हुआ करता था, जिस बंगले में वो रहते थे, और उनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, बहुत पैसा, बहुत कुछ था। तो अभी होता है ना कि उनको हो गया ना, एक अपने से एक 10 साल छोटी लड़की से प्यार हो गया, और वो बहुत प्यार उस लड़की से करते थे। उसने उस लड़की को बताया भी, उसको बोला कि आप मेरे साथ बहुत खुश रहोगे वगैरह वगैरह। और होता क्या है, लड़की मान भी जाती है उनके साथ रिलेशन में आने के लिए, उनसे शादी करने के लिए, लेकिन एक्चुअली में होता क्या है कि लड़की को राणा साहब से बिल्कुल प्यार नहीं था। लड़की को एक्चुअली में उनके पैसे से प्यार था, लड़की का ऑलरेडी कोई बॉयफ्रेंड पहले से था, और लड़की को बिल्कुल उससे प्यार नहीं था, लेकिन लड़की चाहती थी कि वो उसके साथ अटैचमेंट में रहे, ताकि उसको कुछ मार मार कर उसके हवेली और उसकी चीजें हड़प ले। होता क्या है कि जो लड़की होती है ना, वो उसके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए रेडी हो जाती है। राणा साहब को भी लगता है कि हाँ, वो मुझसे प्यार करती है, वो बहुत खुश रहते थे, उसे बहुत मानते थे। लेकिन लड़की ने क्या किया, अपने साथ अपने बॉयफ्रेंड को मिलाकर राणा साहब को एक दिन बहुत बुरी तरीके से मारा, और उसकी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली, और करवाने के बाद उनको जिंदा जमीन में, वहीं के आसपास में जिंदा जमीन में दफना दिया। और वो मरे नहीं थे, मतलब जिंदा दफनाया था, और वो चिल्लाते रहे बचाने के लिए, बोलते रहे, माफी मांगते रहे, बहुत कुछ चिल्लाया, बहुत रोया, बहुत तड़पा, लेकिन वो लोग बिल्कुल उसकी नहीं सुने। और उसके बाद कुछ वक्त के बाद ही उनकी वहां पर डेथ हो गई। उसके बाद जो स्टोरी है ना, वो टर्न करता है लव स्टोरी से हेट स्टोरी और मर्डर स्टोरी में। होता क्या है ना, जब वो मर रहे थे ना, तभी उन्होंने बोला था, एक श्राप दिया था, एक अपने आप से मरते वक्त अपने आप से ये बोला था कि मैं मर तो जाऊंगा, लेकिन किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कोई यहां पर आ गया, मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कोई उस हवेली में चला गया, मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और कोई यहां पर भटका भी, तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। और ये बोलते हुए वो मर गए थे। और उसके बाद क्या होता है कि उनकी जो आत्मा होती है ना, उसकी जो भटकती हुई आत्मा, क्योंकि वो मरी थी तो नहीं सुकून से, तो वो जो भटकती हुई आत्मा होती है ना, ये बहुत ज्यादा, कोई भी वहां से गुजरता था, मतलब वहां पर जाता था, कोई भी उस हवेली में चला जाता था, आज तक वो वापस नहीं आया। आज भी लोग सोचते हैं कि एक्चुअली में होता क्या है उनके साथ। तो ऐसे ही होता क्या है ना, एक प्रेमी जोड़ा बोले तो, एक कपल जिनकी शादी होने वाली थी, एंगेजमेंट हो गया था, वो लोग अपने घर पे बिना बताए वहां पे छुट्टी मनाने के लिए आए थे उस जगह में। और उनको ऐसे ही मजाक मस्ती में, क्या होता है ना, जहां पर राणा जी को दफनाया गया था ना, मजाक मस्ती में वो वहां पर चले जाते हैं, हंसते खेलते रहते हैं। अचानक क्या होता है ना कि वो जो लड़का था ना, लड़का का एक्चुअली नाम रजत था और लड़की का नाम सपना था। तो रजत क्या होता है ना, अचानक जमीन में उसका पैर धंसने लगता है, और धीरे धीरे वो ना जमीन के अंदर जाने लगता है। सपना बहुत ज्यादा डर जाती है, डरने के बाद वो इधर उधर हेल्प मांगने के लिए दौड़ती रहती है कि कोई इसका हेल्प कर दे। वहां पर कोई नहीं होता है, तो वहां पर उसको एक हवेली दिखता है। एक्चुअली वो हवेली राणा साहब का ही था। तो वो हवेली के पास अंदर जाती है, एंड वहां पे बोलती है कि कोई मेरी मदद करो, कोई है। उसको ऐसा फील होता है ना कि यहाँ कोई है, ठीक है, उसको अजीब सा फील होता है। तो जब भी उसको अजीब सा फील होता है ना, तो वो वहां से दौड़कर जब भी भागने लगती है ना, तो वो अचानक गिर जाती है। जब भी गिरती है ना, तो उसके पैर को पता नहीं कौन पैर को जोर से खींचकर उसी जगह पर लेकर आ जाता है, जहां पे रजत भी धीरे धीरे जमीन के अंदर दफन हो गया था, और जहां पे राणा जी का दफन किया गया था, उनकी जो लड़की और लड़का ने दफन किया था। तो वहीं पर सपना भी चली जाती है, और सपना भी धीरे धीरे क्या होता है, उसको भी जमीन के अंदर ले लिया जाता है, खींच लिया जाता है। तो ये सब हो जाने के बाद क्या होता है ना, सपना के घर पे ना बहुत ज्यादा परेशानी हो जाती है, लोग टेंशन में हो जाते हैं कि एक्चुअली में सपना गई तो गई कहां,
लोगों को पता चलता है उसकी बहन और उसके जो जीजा जी होते हैं ना, जीजा जी बोले तो उनकी बहन के हस्बैंड, उनको पता चलता है कि यहां पर बहुत ज्यादा खोज करने के बाद कि यहां पर सपना लास्ट टाइम आई थी, तो वो लोग, वो उसका हस्बैंड एंड उसके कुछ दोस्त मिलकर उसी हवेली में जाते हैं पता करने के लिए कि एक्चुअली सपना है कहां और उसके साथ एक्चुअली में हुआ क्या है। तो जब भी वो वहां पर जाते हैं ना, और जो उसका हस्बैंड रहता है ना वो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट रहता है, मतलब ये सारी चीजों में वो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट रहता है, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में वो रहता है। तो वो क्या करता है ना, जैसे ही वो वहां पर जाता है ना, तो वो बोलता है, उसको समझ में आ जाता है कि यहां पर ना कुछ तो गड़बड़ हुआ है, यहां पर कुछ तो ऐसा हुआ है जिस वजह से ही सपना यहां पर फंसी है। तो क्या होता है कि उसका हस्बैंड और वो ढूंढते रहते हैं, अचानक जब भी वो लोग वहां उस हवेली में रुकते हैं ना, तो उनमें से बहुत अजीब अजीब सी चीजें होने लगती है उसके घर पे। मतलब कभी पानी अपने आप चालू हो जाता है, कभी खिड़की खुल जाती है अपने आप, कभी रोने की आवाज, कभी चिल्लाने की आवाज, सभी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। जब डरने के बाद वो लोग सोचते हैं कि वो लोग वहां से भाग जाएं, लेकिन भाग नहीं पाते हैं। लेकिन उनमें से कोई एक जो होता है ना अचानक वहां से गायब हो जाता है, एक्चुअली उसको भी पता है वो भागने की कोशिश कर रहा होता है, तो राणा जी ने उसको भी उसी जगह पे दफन कर दिया था। तो लोगों को जैसे ही पता चलता है ना कि उनके ग्रुप में से कोई एक गायब हो गया है, नहीं है, तभी और ज्यादा वो लोग डर जाते हैं। लेकिन उन लोगों को पता, जो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट होता है ना, उसे पता होता है कि अगर हम लोग यहां से बचकर निकलना भी चाहें ना, तो कभी नहीं निकल सकते, इसलिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। वो लोग आपस में बात करते हैं कि देखो, अगर तुम लोग भागना चाहते हो तो तुम भाग जाओ, लेकिन यहां से कोई बचकर भाग नहीं पाएगा उनको, क्योंकि ऑलरेडी चीजें पता होती है। तो वो लोग उससे पूछते हैं, मतलब उनके जो फ्रेंड्स होते हैं, उनकी जो वाइफ होती है, पता नहीं वाइफ का क्या नाम होता है, वो लोग पूछते हैं कि आप बताओ फिर हमें क्या करना चाहिए। तो वो बोलता है, देखो हमें एक रूम पहले ढूंढना होगा, उस रूम में हमें कुछ मंत्र पढ़ के उस राणा जी का, मतलब जो आत्मा है ना, उसको बुलाना होगा और उसी से पूछना होगा कि आखिर वो चाहता क्या है। तो वो लोग बोलते हैं कि ठीक है, वो रेडी हो जाते हैं क्योंकि उनके पास कोई अदर ऑप्शन भी नहीं था। तो जब भी रेडी हो जाते हैं ना, तो वो लोग एक जगह पे बैठते हैं, सारे इंतजाम किए जाते हैं जो भी पूजा और मंत्र वगैरह करने का। वो बोलते हैं कि देखो, जो भी हो जाए यहां पर, कैसा भी सिचुएशन हो जाए, कोई भी एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ेगा और कोई भी यहां से इस रूम से बाहर नहीं जाएगा जब तक हमें पता नहीं चल जाती है चीजें। तो जब भी वो लोग मंत्र वगैरह पढ़ना शुरू करते हैं ना, तो कुछ वक्त के बाद ना राणा जी का आत्मा सच में वहां पर आता है। जब भी आता है ना, तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में रहता है। वे लोग पूछते हैं कि तुम चाहते क्या हो, क्यों हमें मारना चाहते हो, क्यों लोगों को इतना मार रहे हो। तो वो बोलते हैं कि देखो, यहां से भाग जाओ वरना तुम लोग भी नहीं बचोगे, और अभी भी तुम लोग भाग नहीं पाओगे, तुम लोग किसी को मैं नहीं छोड़ूंगा, ये वो। सभी और ज्यादा डर जाते हैं, इतना बोलकर ही वो चला जाता है। दिन क्या होता है, वो लोग सोचते हैं कि अभी क्या किया जाए, चीजें तो पता चली नहीं। तो वो लोग सपना, क्योंकि उनको भी लगता है कि सपना को भी इसने ही मारा है, तो वो लोग सपना की आत्मा को बुलाते हैं। जब इस सपना की आत्मा आती है ना, तो वो उनको सारी इंसिडेंट बताती है कि यहां पर क्या क्या हुआ है। तो वो लोग उससे पूछते हैं कि ऐसा कोई तरीका हो सकता है जिससे हम इसकी आत्मा को खत्म कर सकते हैं। तो वही बोलती है कि वहां पर एक त्रिशूल है जिससे तुम इसके आत्मा, मतलब जो राणा जी को मार सकते हो, और बस इतना बताकर वो चली जाती है। तब ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग तो यहां से जिंदा निकल नहीं पाएंगे, तो इनको कुछ तो करना पड़ेगा। जब ये लोग डिसाइड करते हैं ना, तभी ये लोग वहां जाते हैं, वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, तो हम सामने में राणा जी आ जाते हैं। और जब ही राणा जी आते हैं, तो हमेशा की तरह वो इन लोगों को भी मारने की कोशिश करते हैं। सभी बहुत असफल हो जाते हैं, बहुत कोशिश करते हैं वो त्रिशूल हासिल करने का, बट कोई नहीं कर पाता है। लेकिन जो सपना की बहन थी ना, जो अपने हस्बैंड के साथ आई थी, वो किसी तरह उस त्रिशूल के तक पहुंच जाती है, एंड उसी त्रिशूल से उस पर वार कर देती है और राणा जी पर। बहुत मुश्किल के बाद वो वहीं पर उसकी आत्मा जो है खत्म हो जाती है, एंड जितने भी लोगों को उसने मारा था, सबको मुक्ति मिल जाती है। तो यही एक छोटी सी स्टोरी थी, बहुत क्रीपी, बहुत अजीब सी थी, लेकिन हाँ, ये रियल इंसिडेंट है। आज भी लोग वहां पे जाने से डरते हैं, क्योंकि लोगों को पता है ये सब कुछ अच्छा हुआ है, लेकिन लोगों को आज भी डर लगता है कि कहीं उनके साथ कुछ ना हो जाए। और मुझे भी लग रहा था कि काफी फिल्मी है, लेकिन एक्चुअली में ये फिल्मी नहीं है, ये रियल इंसिडेंट है और ऐसा सच में हुआ है। इसके बारे में आप गूगल पे पढ़ सकते हो, उसके बारे में विकिपीडिया पे पढ़ सकते हो, इसके बारे में आपको यूट्यूब पे भी और सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो मुझे लगा कि ये वीडियो क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए। और भी कोटा की हॉरर इंसिडेंट अगर आप जानना चाहते हो, क्योंकि आपको हमेशा हॉरर वीडियो ही चाहिए होता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगी। एंड अगर वीडियो पसंद आया होगा, तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना। लिपस्टिक फेस पे क्या लगाया है, स्ट्रेट किससे किया है, सारी चीजों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आप चेक करना चाहते हो, वहां से खरीदना चाहते हो, तो खरीद लो जाकर, ठीक है। सो मैं जाती हूँ, बाय बाय, टेक केयर, एंड आई लव यू ऑल गाइज, बाय बाय।